हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बैंकिंग या आरबीआई के कुछ मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए वेरियस एग्जाम में सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद डाटा इन्वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच रूलर फर्स्ट यूज द वर्ड रूपी, रूपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, शेर शाह सूरी ने किया था। और कब किया था, तो 1542-45 के बीच में किया था शेर शाह सूरी ने सबसे पहली बार रुपये शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम वन रुपी नोट, भारत में पहली बार कब पेश किया गया था एक रुपया का नोट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 30 नवंबर 1917 में भारत में पहली बार एक रुपया का नोट पेश किया गया था। और जब ये नोट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय जॉर्ज परचम की तस्वीर इसमें छपी हुई थी। और इस नोट की छपाई 1926 में बंद कर दिया गया था। देन इसकी छपाई 1940 में फिर से स्टार्ट हुआ था। देन जो 1994 तक कंटिन्यू रहा, देन इसकी छपाई फिर 1994 में बंद कर दिया गया था, जो फिर 2015 में चालू हुआ था। देन इसकी अभी प्रिंटिंग फिर से बंद है। यदि आपसे पूछता है, बट आपसे पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 30 नवंबर 1917 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सिग्नेचर इज ऑन द इंडियन रूपी वन नोट, भारत के एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही था, फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्तीय सचिव का भारत के एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। एक रुपये के नोट पर आरबीआई का हस्ताक्षर नहीं था, एक रुपये के नोट पर सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 1770 में भारत का पहला बैंक स्थापित हुआ था। और ये यूरोपियन मेजरमेंट के तहत कोलकाता में इसका सबसे पहली बार स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1770 में। और इस बैंक को 1832 या 1830 के बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1770 में। और इसे कब बंद कर दिया गया था, तो 1830 से 1832 के बीच में इस बैंक को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सी है, सर ओसवर्नर स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और ये कब बने थे, 1935 में बने थे, और इनका टर्म 1937 तक था ऑफिस में। और डे में देखें तो अप्रोक्स 821 डे इनका ऑफिस में कार्य था। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, सीडी दशरथ आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर थे। और ये उस समय इंडियन सिविल सर्वेंट थे और इनका नियुक्ति ब्रिटिश राज अधिकारियों के द्वारा 1940 में किया गया था आरबीआई के प्रथम गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, सबसे लंबे समय तक कार्य में रहने वाले गवर्नर कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, सर विनोबा रामानुज आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है। और ये कब बने थे, 1949 में बने थे, 1 जुलाई 1949। और इनका टर्म था 1957 तक इनका ऑफिस में टर्म था। और डे में बात करें तो 2750 डे इनका ऑफिस में था, आपको इनका टर्म था इतना डे। और यदि ईयर में देखें तो 7 ईयर 6 मंथ 17 डे इनका ईयर में था। आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे। देन सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर का बात करें तो सीडी दशमलव आरबीआई के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है। और इनका ऑफिस में बात करें तो अप्रोक्स कितना दिन का टर्म था, तो 2150 डे इनका ऑफिस में टर्म था। देन ये भी क्वेश्चन बनता है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे। जैसे तो लॉन्गेस्ट तो डिस्कस किए, बट शॉर्टेस्ट कौन थे, तो अमिताभ घोष ये शॉर्टेस्ट आरबीआई के सर्विंग गवर्नर थे। सिर्फ इनका 20 डे का था इनका टर्म इन ऑफिस आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आरबीआई नेशनलाइज, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, 1949 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ नेशनलाइज ऑफ आरबीआई, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, सीडी दशमलव, ये आरबीआई के राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो उस समय गवर्नर के रूप में प्रेजेंट थे आरबीआई के। नेक्स्ट, विच कमीशन रिकमेंड फॉर आरबीआई, आरबीआई के लिए किस कमीशन या किस आयोग ने सिफारिश दिया था। इसका आंसर ऑप्शन सी सही, हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई के लिए सिफारिश दिया था। और हिल्टन यंग कमीशन को हम रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। और ये कब दिया था, तो 1926 में दिया था आरबीआई के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन आरबीआई लोगो, आरबीआई के लोगो में क्या है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, पाम ट्री एंड रॉयल बंगाल टाइगर, ये दोनों आरबीआई के लोगो में है। जैसा कि देख रहे होंगे, ये आरबीआई के लोगो है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर है और ये पाम ट्री, ये दोनों आरबीआई के लोगो में है। पाम ट्री को हम खजूर का पेड़ कहते हैं हिंदी में, तो ये दोनों आरबीआई के लोगो में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहाँ था। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कोलकाता में था, बट इसे आफ्टर 2 ईयर के बाद शिफ्ट करके मुंबई ले जाया गया। और प्रेजेंट में भी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट कोई था मुंबई, बट आपसे कोई था कि फर्स्ट हेडक्वार्टर तो कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई।
ये भारत का सेंट्रल बैंक है और आरबीआई का मेन काम है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड बैंकों को मैनेज करना, ये आरबीआई का मेन पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन सिंह बीच गवर्नर ऑफ आरबीआई। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही आएगा। ये 15 गवर्नर थे आरबीआई के और ये कब बने थे तो ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आरबीआई के गवर्नर कब बने थे, कौन से ईयर में बने थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, देन 2004 में ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ये 30 प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बीच गवर्नर बिकम लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बने थे 2004 में इंडिया के 30 प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द नोट, एक नोट में कितने प्रकार के भाषाएं होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, 17 भाषाएं होते हैं एक लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 2.5 लाख पर मंथ आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, ये विदेशी मुद्रा को नियंत्रण करती है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है भारत में आरबीआई। नेक्स्ट है हु लेड द वर्क ऑफ माइटी कॉइंस इन इंडिया, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है और भारत में सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं करता है क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है जो आरबीआई के प्रॉफिटेबल के लिए नहीं है। और भारत में सिक्कों की ढलाई 4 शहर में किया जाता है जिसमें फर्स्ट नंबर बात है मुंबई, देन सेकेंड नंबर में अलीपुर कोलकाता आता है, देन थर्ड नंबर में हैदराबाद में 2 जगह में किया जाता है, एक आता है सैफाबाद या एक चेरलापल, ये 2 जगह में हैदराबाद में किया जाता है, देन फोर्थ नंबर में नोएडा यूपी में, ये 4 शहर में भारत में सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हु मेड द स्वयंबर ऑफ रुपये, रुपये के प्रतीक को किसने बनाया था? जैसा कि ये देख रहे होंगे ये रुपया है तो इस स्वयंबर को किसने बनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही, उदय कुमार ने बनाया था। तो जैसा कि ये देख रहे होंगे ये उदय कुमार है, तो इन्होंने रुपये के स्वयंबर को बनाया था, कब बनाया था? तो 2010 एंड 15 जुलाई 2010 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट कर लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब अडॉप्ट किया था रुपये के स्वयंबर को? तो 2010 15 जुलाई, और कब बनाया था? तो 2010, और किसने बनाया था? तो उदय कुमार ने। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वाज एलआईसी एस्टैब्लिश, एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, 1 अप्रैल 1956 में एलआईसी का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एलआईसी का फुल फॉर्म देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी का फुल फॉर्म होता है और इसका शेयर 100% गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास इसका शेयर 100% है। नेक्स्ट है वेन वाज द एस्टैब्लिश ऑफ पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 1894 में पीएनबी बैंक का स्थापना हुआ था, 19 मई 1894 में, आई से अप्रोक्स 127 ईयर्स में वो, और इसका फाउंडर मेंबर कौन है? तो संस्थापक तो दयाल सिंह मराठिया और लाला लाजपत राय, ये 2 मेंबर इसके फाउंडर हैं और लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के दौरान हो गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है कि लाला लाजपत की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो लाठीचार्ज के दौरान। नेक्स्ट हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, शक्तिकांत दासा, ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, जैसे कि देख रहे हैं ये शक्तिकांत दासा ये अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और यदि आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर, थैंक यू।